पिछले दिनों आप लोगों ने सुना होगा कि हम हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया है कि जी हमने आधा घंटा जो बंदा जहां पे भी होगा वहीं पर स्टक हो जाएगा, वहीं पर खड़ा हो जाएगा। हमने क्या करना है जी, इजहार यकजहती करनी है। किसके लिए? कश्मीर के लिए। और पता चले पूरी दुनिया को कि हम एक हैं, और कश्मीरियों को पता चले कि पाकिस्तान कौम हमारे साथ खड़ी हुई है। अच्छा जी, टाइम आ गया, मैं लाहौर में था, मुझे बड़ी ना एक्साइटेड था कि यार चलो लाहौरियों का जज्बा दिखेंगे, लाहौरियों के साथ मिल गया इजहार यकजहती करेंगे, तो रोड पे निकल गए। तो आप यकीन करें, इतना अफसोस हुआ कि सिर्फ वो लोग जो रैलियां निकाल रहे थे, या वो लोग जो वो बच्चे जो स्कूल और कॉलेजेस के थे वो थे रोड्स पे, बाकी सिग्नल्स वैसे ही चल रहे थे, कोई भी सिग्नल्स पे रुक नहीं रहा था। सर ये तो हमारा लेवल है, ये तो हमारा लेवल है, फिर हम क्यों नीचे को जा रहे हैं? मैंने आपको बताया जब खूबियों का ग्राफ नीचे आ जाता है वो नीचे को चले जाते हैं। कोई बंदा कीचड़ में गिरता है ना सर, तो उठ के साफ करता है और चल पड़ता है। हम ऐसे लोग हैं कि कीचड़ में गिरे हैं और लोटपोट हुए जा रहे हैं। जहन में रखिएगा टॉपिक क्या है, वी एज अ नेशन हम बतौर कौम कहां पे खड़े हैं। आगे चलते हैं, हम देखते हैं जी किसी फ्रूट वाले को बोला है कि जी 2 किलो फ्रूट तोल दें। वो फ्रूट तोड़ता है, पता क्या करता है? अच्छा फ्रूट ऊपर डालेगा और चुपके से खराब फ्रूट क्या करेगा? नीचे डालेगा। टॉपिक याद रखिएगा, वी एज अ नेशन। अच्छा जी आगे चलते हैं, बच्चा दुकान पे जाता है, बच्चा दुकान पे गया है, उसको उसने चीज ली है तो दुकानदार पैसे लेना भूल गया है। वही बच्चा घर जाता है और डांस करता है, कहता है जी मैंने दुकानदार को धोखा दे दिया, वो बेवकूफ बन गया, मैंने पैसे नहीं दिए, मेरी बचत हो गई, मेरा जेब खर्च बन गया। ठीक है जी, याद रखिएगा वी एज अ नेशन हम कहां पे खड़े हैं आज बतौर कौम। आगे चलते हैं जी, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, गौर से सुनिएगा, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं ना कि जिंदगी चेंज करके, अगर जिंदगी चेंज करना चाहते हैं ना आप लोग, मेरी बहनें बैठी हैं इधर, भाई बैठे हैं, बड़े सीनियर्स बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ चेंज करके जाना है इधर से, तो जहन बना के बैठिए, सारी बातें निकाल दें जहन से, सारे आसपास के लोगों को भूल जाएं, अपने सिस्टर्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको भूल जाएं, एक फिक्रा ही काफी होता है लाइफ चेंज करने के लिए। ठीक है, तो इस नियत से बैठे कि आज कुछ देखे जाना है। आपको पता नहीं है जहांगीर साहब और बाकी सब लोगों ने आज किस चीज की बुनियाद रख दिया। इंशाल्लाह अमेरिका में, मैं आपको बता दूं, ये सेमिनार हो रहा है ना, जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है, अमेरिका में हजारों के हिसाब से रोजाना होती है कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स, और उनका लेवल देख लें, मैंने आपको सारी मिसालें दे दी हैं। क्या और वो शाऊर दे रहे हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज करके ना इवेंट्स, वो शाऊर दे रहे हैं। अच्छा जी, बात हो रही थी, एक बच्चा स्कूल जाता है, वहां पे जाके टीचर को धोखा दे रहा होता है, टीचर को झूठ बोल के, मतलब टीचर को वो चक्कर दे रहा है, उसके बाद घर आता है वो अपने वालदैन को चक्कर दे रहा है। ठीक है, याद रखिएगा हम टॉपिक क्या है, वी एज अ नेशन हम बतौर कौम कहां पे खड़े हैं। अच्छा जी, इस्लाम हमारा कहता है कि आपने पता क्या करना है, कि अपने साथियों का, अपने दोस्तों का, अपने हमसाये को क्या रखना है, उनको फायदा पहुंचाना है। अल्लाह ताला का हुक्म है, तुम मेरी मखलूक को फायदा पहुंचाओ, मैं तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा। अच्छा ठीक है जी, अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है जी, तुम मेरी मखलूक को फायदा पहुंचाओ, मैं क्या करूंगा, तुम्हें फायदा पहुंचाऊंगा। ये हमारा रूल है सर, ये हमारे वो कहते हैं हमारा विरसा था, ये वाली बातें जो सैकड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में बता दी थी, तुम मेरी मखलूक का फायदा करो, मैं तुम्हारा फायदा करूंगा, जिसको आज गोरा मान चुका है, अपनी बुक 7 Habits of Highly Effective People में वो एक बताता है, क्या कह रहा है सुनिए, कहता है थिंक विन विन, खुद को कामयाब कराओ, लेकिन अपने साथ वालों को भी कामयाब कराओ। किसी करोड़पति से पूछा गया कि आपके करोड़पति होने की वजह क्या है, वो कहता है सर सिंपल, मैंने अपने साथ वालों को लखपति बनाया है, खुदा ने मुझे करोड़पति बना दिया। सर ये थी हमारी तालीमात जो 1400 साल पहले हमें बता दी गई थी, ये सारे कारोबार करने के तरीके, सुनहरी असूल जिसको आज दुनिया अडॉप्ट करके कहां से कहां चली गई है। और हम देखें, याद रखिएगा हमारा विरसा था, हमने क्या किया, अमल नहीं किया, दूसरों ने अमल किया, कहां पहुंच गए, याद रखिएगा वी एज अ नेशन हम बतौर कौम कहां पे खड़े हैं। अमेज़न कंपनी का नाम सुना होगा किसी ने, ऑनलाइन है, इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करते हैं, चीजें सेल करते हैं, लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो ऐसी कंपनी है। अच्छा उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, अब मिसाल देखिएगा, अंग्रेज की कंपनी है सर, उसके बाद अपनी मिसाल भी दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं ये भी बताऊंगा, याद रखिएगा। अच्छा अमेज़न है, उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होती ना सर अवेलेबल, वो पता क्या करते हैं, अपने कस्टमर को लिंक देते हैं उस वेबसाइट का या उस कंपनी का जहां पर वो
जो प्रोडक्ट होती है अवेलेबल होती है। और आप सोच रहे होंगे ये कमीशन लेके करते हैं, ऐसा कमीशन लेके नहीं करते सर, वो करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कस्टमर को गाइड करते हैं। और आज आप यकीन नहीं करेंगे उसका बिजनेस अरबों रुपए का है। अब मौका, हमारी नियत क्या होती है, हमारा दुकानदार होता है, हमारा दुकानदार पता क्या करता है, उसका मुलाजिम कह देना सर हमारे पास ये चीज अच्छी वाली नहीं है, आगे वाली दुकान से ले ले, मुलाजिम को निकाल दिया जाता है, ये उल्लू का पट्टा मेरा कारोबार बंद कराएगा। ये सोच है सर हमारा, ये लेवल है हमारी सोच का। अच्छा जी, फिर वो कहता है कि मुलाजिम को डांट रहा होता है, तेरी जरूरत कैसे हुई, उल्लू के पट्टे तो मेरा कारोबार बंद कराएगा। इसका नतीजा पता क्या निकलता है सर, कहीं भी आप एक्सपीरियंस करके देख लीजिएगा, वो बंदा या तो दुकान से फट्टे पे आ जाएगा या उसी दुकान तक महदूद रहेगा उसकी सारी दुनिया, वो कभी भी कंपनी नहीं बना सकता जिस बंदे की ये नीयत होती है। तो हमेशा सर अपने आप को ना कामयाब कराना चाहते ना, तो अपने साथ वालों को कामयाब कराएं, वो कहते हैं ना आपकी कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे।